नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 193 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 6,289 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, औरंगाबाद में 6, बांका में 16, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 14, भोजपुर में 6, बक्सर में 1, दरभंगा में 6, गया में 4, गोपालगंज में 2, जहानाबाद में 1, कैमूर में 4, कटिहार में 2, खगड़िया में 3, किशनगंज में 4, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 21, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 6, नालंदा में 1, नवादा में 2, पश्चिम चंपारण में 9, पटना में 15, पूर्णिया में 13, रोहतास में 4, सारण में 2, शिवहर में 25, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 5, सुपौल में 3 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या पहुंची 3686 पर। बिहार में जहां एक तरफ कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बीते दिन शाम 4 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में अब तक कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3686 पर पहुंच गई है। आपको बता दें, बिहार में अब तक कुल मिलाकर 1,20,086 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से अब तक पाए गए पॉजिटिव मामलों की संख्या 6,000 को पार कर चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में बिहार में ज्यादा से ज्यादा जांच करवाने की मांग पर फिर से जोर दिया है। बिहार में बेटियों को सशक्त करने के लिए उठाए गए अहम कदम। बिहार की बेटियों को सशक्त करने के लिए स्कूल में हर कक्षा में अब बेटियों को ही मॉनिटर बनाने का फैसला सुनाया गया है। इतना ही नहीं, सूबे में मॉर्निंग असेंबली में भी महिलाओं की कहानी ही गूंजेगी, जो बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, जिसके लिए सरकार के साथ प्राइवेट स्कूल को भी इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। खबरों की माने तो छात्राओं में लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसकी शुरुआत स्कूल स्तर से होगी। इसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय और बिहार शिक्षा परियोजना ने संयुक्त तौर पर कार्यक्रम शुरू कर दिया है। राजस्व संग्रह में खनन विभाग अव्वल जिले को करेगा पुरस्कृत। राजस्व संग्रह में खनन विभाग ने जमुई जिले को पुरस्कृत करने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 19-20 में लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह में जमुई जिले में बेहतरीन काम किया गया है। खबरों की माने तो जमुई जिले में लक्ष्य से अधिक 154.92% राजस्व हासिल किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर 14 जिलों ने लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रहण किया है, जिसका निर्णय खान एवं भूतत्व विभाग के बीते दिन बैठक के बाद लिया गया है। वहीं इस सूची में पटना को 5वां स्थान मिला है। बीते दिन पूर्वी बिहार में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 15 से 20 जून के बीच में मॉनसून के दस्तक देने की बात कही गई थी। वहीं बीते दिन बिहार के पूर्वी जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्णिया, भागलपुर, बांका समेत अन्य जिलों में हुई बारिश ने पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्योंकि मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में 182 mm बारिश दर्ज की गई है। आने वाले कुछ दिनों में समूचे बिहार में भी मॉनसून के दस्तक देने की खबर सामने आई है। CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड हुआ जारी। शारीरिक जांच परीक्षा के लिए CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जो कि सभी चयनित अभ्यर्थी CSBC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बिहार होमगार्ड कांस्टेबल ड्राइवर के पद के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर क्लिक करना होगा। इसके अलावा जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम नहीं है, वह सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड हार्डिंग रोड पटना से 30 जून और 1 जुलाई के बीच में जाकर के एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, और यह परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित करवाई जाएगी। पटना में कंटेनमेंट जोन की संख्या घटी। पटना के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बीते दिन जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भले ही पटना में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मगर अब कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 33 हो गई है। पहले यह संख्या 38 थी, जिसके परिणाम स्वरूप अब पटना सदर अनुमंडल में 14, पटना सिटी अनुमंडल में 10, दानापुर अनुमंडल में 8 और मसौढ़ी अनुमंडल में 1 कंटेनमेंट जोन बच गया है। आपको बता दें, पटना में अब तक प्रभावितों की संख्या 300 से ज्यादा देखी गई है, और वहीं इसी बीच इस खबर आने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी ने दी राहत। बिजली कंपनियों ने कोविड-19 के इस माहौल में सभी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत कोविड-19 के इस माहौल में जो भी उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर सकते हैं, उन्हें लगने वाले लेट फाइन पर इंटरेस्ट कम देना होगा। बीते दिन बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष की ओर से सुनाए गए निर्णय में यह साफ कहा गया है कि 25 मार्च से 30 जून के बीच बिजली बिल जमा करने वालों से इंटरेस्ट रेट कम लिया जाएगा। बिहार में एक दिन में सबसे ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की हुई पुष्टि। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर बीते दिन बिहार से एक राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन 370 मरीजों के ठीक होने की खबर आई है, जिसके बाद बिहार में अब तक कुल मिलाकर 3600 से ज्यादा मामले ठीक हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रांची से की गई टिप्पणी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कोविड 19 के माहौल के बीच राजनीतिक गतिविधियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खूब बयानबाजी देखने को मिली, जिसके माध्यम से यह कहा गया है कि दूसरों के सहारे और 89 दिन से बाहर कदम नहीं रखने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री को क्या बाहर निकल गरीब जनता को नहीं संभालना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री को मुश्किल के इस दौर में ऐसे छिपके रहना चाहिए? चुनावी प्रचार करने में जुटी जदयू। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं, जिसके लिए जदयू ने बीते 6 दिन लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था, जहां पर जदयू पार्टी ने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने और पहली बार मतदान करने वाले 18 से 24 साल की उम्र वाले युवाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज बनाने को कहा गया है, जो पार्टी और जनता के बीच संवाद का माध्यम बनेगा। बिहार पुलिस में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या में हो रहा है इजाफा। बिहार पुलिस में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब कोविड 19 संक्रमित पुलिस कर्मियों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। हाल ही में कोविड 19 की वजह से एक दरोगा की जान भी चली गई थी। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि संक्रमित हुए पुलिस कर्मियों में से लगभग 90% पुलिसकर्मी कोविड 19 के संक्रमण को पास कर चुके हैं और स्वस्थ होकर वापस से अपने काम पर लौट गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सभी पुलिसकर्मियों और खास करके अलग अलग कंटेनमेंट जोन के आसपास तैनात पुलिसकर्मियों से सभी तरह के एहतियात का पालन करने की नसीहत दी है। संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। बिहार में जल्द ही मॉनसून की शुरुआत होने वाली है। हालांकि पूर्वी जिलों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद अब बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्होंने जिलों के डीएम और एसपी के बाढ़ की तैयारियों का हाल जाना है। जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों के साथ की गई बैठक में सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं, इस बात का जायजा लिया गया है। चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने दी अपनी प्रतिक्रिया। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच बयानबाजी का सिलसिला भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत पहले तो उन्होंने भाजपा को अकेले चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी है, साथ ही इस बार महागठबंधन दल की जीत होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। श्रमिकों और बिहार के बाहर से आने वाले आम लोगों की मदद भी लगातार की जा रही है, जिसके बाद इस बार अटूट महागठबंधन की जीत पक्की है। कोविड 19 के माहौल के बीच देश को मिले बिहार से 17 सैन्य अधिकारी। भारत में कोविड 19 के माहौल के बीच ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ने सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसमें 17 सैन्य अधिकारी बिहार के शामिल है, जिसका आयोजन गया के ओटीए में इन जवानों का पासिंग आउट परेड करवाया गया था। हालांकि इन सभी जवानों ने शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए पासिंग आउट परेड किया था। हालांकि यह पहली बार देखने को मिला है कि पासिंग आउट परेड में नए जवानों के माता पिता और विशिष्ट लोगों को इनकी जगह से शामिल नहीं किया गया है। इस मौके पर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव के द्वारा सफल प्रतिभागियों को मेडल भी प्रदान किया गया था। भारत के पहले सरकारी फ्रोजन सीमेंस स्टेशन से विभिन्न तरह की नस्लें होंगी तैयार। बिहार के पूर्णिया जिले में बन रहे भारत के पहले सरकारी फ्रोजन सीमेंस स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। यह स्टेशन 3 महीने में चालू हो जाएगा, जैसे कि अब इस इलाके में साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई राज्यों के पशुपालकों को फायदा मिलेगा, जिसकी जानकारी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के उप प्रबंधक आशीष रवि ने दी है और यह बताया है कि देश का पहला सरकारी फ्रोजन सीमेंस स्टेशन जो बनकर तैयार हो गया है। सड़क निर्माण की 15 योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने राज्य के 10 जिलों में सड़क निर्माण की 15 योजनाओं के लिए 241.64 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बीते दिन दी है और बताया है कि विभाग की निविदा समिति ने प्रदेश के 10 जिले यानी कि पटना, किशनगंज, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद और बक्सर की योजनाओं के लिए जारी कर दिया है। स्वीकृति योजना के तहत लगभग 77 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों का विकास किया जाएगा। 15 जून से नदियों की निगरानी का काम होगा शुरू। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। नेपाल और तिब्बत में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। 3 से 4 दिनों में नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी संभव है। पूर्वी बिहार में बीते दिन बारिश भी देखने को मिली थी, जिसके बाद सरकार अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने नदियों पर नजर बनाए रखने के लिए मुख्यालय में मॉनिटरिंग सेल बना दिया है। जल संसाधन विभाग के तहत सिंचाई भवन में बना यह विभाग पूरी तरह से नदियों के जल स्तर के साथ साथ उसके तटबंध पर भी नजर रखेगा।
बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को जारी किया पत्र। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के अच्छे कामों को लेकर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाल ही में एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि डीजीपी बनाए जाने से पहले गुप्तेश्वर पांडे को कई सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। एसोसिएशन की तरफ से जारी किए गए पत्र में डीजीपी की तारीफ में यह भी कहा गया है कि उनकी सोच और काम करने का तरीका दूसरे अधिकारियों से अलग है और यही कारण है कि उनके आने के बाद बिहार में अप्रिय वाक्यों में कमी देखी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ढूंढने उनके आवास पर जाएंगे तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके आवास से बाहर निकालने की जिद पर अड़े तेजस्वी यादव अब जल्द ही उनके आवास पर जाने वाले हैं, जिसके तहत राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाहर निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खोजकर विपक्ष को ही उन्हें बाहर लाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तरुण यादव पर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन बिहार में गरीबी बेरोजगारी की चर्चा कौन करेगा। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को लेकर की टिप्पणी। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर टिप्पणी की है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी द्वारा अपशब्द का इस्तेमाल करने की बात कही थी, जिसके बाद अशोक चौधरी ने कहा है कि फर्जी और एडिटेड वीडियो के सहारे मेरे समाज को अपशब्द ना कहिए। राजद के युवराज, आपके पिता के समय में जो आम नागरिकों के साथ हुआ था वह जग जाहिर है। मेरे रोम रोम में मेरा समाज बसता है। मेरे समाज को अपशब्द कहने के लिए तेजस्वी यादव माफी मांगे। आपको जो भी कहना है वो मुझसे कहिए। अमित शाह की रैली के नाम पर राजनीति हुई तेज। भाजपा की वर्चुअल रैली का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद वर्चुअल रैली का समापन तो हो गया, मगर बिहार में राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। राजद ने रैली की सफलता पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाजपा ने अपने रैली का सफलतापूर्वक समापन होने की बात कही है, जिसके बाद राजद नेता भोला यादव ने कहा कि अमित शाह की रैली बिहार में फ्लॉप हुई थी, अब लोग रैली करेंगे तो यह भाजपा की रणनीति होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वर्चुअल रैली का जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब SBI में ऑनलाइन माध्यम से खोला जा सकेगा खाता। भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड-19 के इस माहौल में सभी आम नागरिकों को ऑनलाइन सेवा मुहैया करवाने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत SBI ने अपनी तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए बीते दिन सभी आम नागरिकों को साफ तौर पर कहा है कि अब SBI में खाता खुलवाने के लिए किसी को भी बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि मोबाइल ऐप की मदद से आसानी से अब फिर घर बैठे बैठे अपना खाता खोल सकते हैं। इसके लिए सभी लोगों को योनो ऐप के जरिए बचत खाता खोलने की सुविधा दी गई है। वहीं खाता धारक बचत खाता केवल पैन और आधार से खोल सकते हैं, जिन्हें रुपए ATM कार्ड फिलहाल जारी किया जाएगा। बिग बॉस 14 का आयोजन क्या इस बार होगा समय पर? इस बात का ऐलान सलमान खान ने खुद ही बातों बातों में किया है, जिसके तहत टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के आयोजन को समय पर होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों के माने तो सलमान खान जल्द ही बिग बॉस 14 को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इन दिनों अपने फार्म हाउस पर सलमान खान समय बिता रहे हैं और वन में वो काफी सारे काम कर रहे हैं, जिसके बाद अनलॉक वन में धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री की काम फिर पटरी पर लौटने लगी है। वहीं सलमान खान ने अपने इस शो को दिए कमिटमेंट को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान अपने फार्म हाउस से ही बिग बॉस 14 की घोषणा कर सकते हैं, जिसके लिए क्रिएटिव टीम के साथ बातचीत फिलहाल जारी है। व्हाट्सएप यूजर अब अपने अकाउंट को ही एक साथ चला सकेंगे अलग अलग डिवाइस पर। व्हाट्सएप यूजर को आए दिन मल्टी डिवाइस फीचर नहीं होने के कारण काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से व्हाट्सएप यूजर को पहले अपने प्रीवियस डिवाइस से व्हाट्सएप को लॉग आउट करना पड़ता था, उसके बाद ही वह किसी दूसरे सिस्टम में अपने व्हाट्सएप पर लॉग इन कर पाते थे। सभी लोगों के इस परेशानी को देखते हुए व्हाट्सएप ने मल्टी डिवाइस फीचर को रोल किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप सभी 4 या उससे कम डिवाइस में डेटा लिंक करके और वाईफाई कनेक्टिविटी का उपयोग करेगा। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप सभी यूजर्स को मोबाइल डेटा का विकल्प भी दे सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अजय कुमार, मोहम्मद फिरोज, संजीव प्रिंसिपल, मोहम्मद समीर शमशेर, राजेश कुमार, बबीता यादव, रजनीश यादव, उमाकांत सिंह, राहुल राज, चंदेश्वर कुमार, सुनील कुमार राय, अमित कुमार, ताहिर अंसारी, सौरभ कुमार, बैजू कुमार, रंजीत यादव, विकास पंडित। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अब तक बिहार के प्रसिद्ध राजनेता कौन से रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।